सबको जय मसीह की, परमेश्वर की कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह के देह को, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में शालोम और शांति मिले। वो परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है, वो प्रेमी परमेश्वर है और वो परमेश्वर है जो अपने वायदों को कहकर कभी भी बदलते नहीं हैं। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचनों में से कुछ गहरी बातों को बांटने जा रही हूँ और मैं विश्वास करती हूँ ये बातें आपके ज़िंदगी में बदलाव को लाएंगी, आपके नज़रिए को बदलेंगी, क्योंकि हमें अपना नज़रिया बदलने की बहुत ज़रूरत है। कई बार हो सकता है एक व्यक्ति अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास होने वाली घटनाओं को और परिस्थितियों को अपनी नज़रों से देखता हो, लेकिन जब हम उन बातों को, उन घटनाओं को, उन परिस्थितियों को और हो सकता है किसी व्यक्ति को परमेश्वर की नज़र से देखते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर की सोच में और हमारी सोच में इतना अंतर है जितना ज़मीन और आसमान का अंतर है, उनकी योजनाओं में और हमारी योजनाओं में इतना बड़ा अंतर है जैसे ज़मीन और आसमान का अंतर है, और ज़मीन आसमान का अंतर ऐसा है जिसको कोई भी आज तक नाप नहीं सका है। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं नापने की, लेकिन वो इतना दूर है ज़मीन आसमान से जिसको हम नाप नहीं सकते हैं और जिसको हम समझ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की रचना है और परमेश्वर की बुद्धि से ही हम इन बातों को समझ सकते हैं। और वचन बताता है परमेश्वर ने हमें सुनने के लिए कान दिए हैं। यहाँ पर मैं शारीरिक कान की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आत्मिक कानों की बात कर रही हूँ। जब हम यूहन्ना को प्रकाशन जब मिला प्रभु यीशु मसीह का, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से कहता है और जिसके कान हो वो सुन ले। तो यहाँ पर आत्मिक कानों की बात हो रही है। शारीरिक कान तो सबके हैं, लेकिन आत्मिक कान बहुत कम लोगों के एक्टिवेट हैं, तभी वो प्रभु की बातों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हमारे परमेश्वर ने हमें शारीरिक कान दिए हैं, हमें आत्मिक कान भी मिले हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर ने अगर हमें शारीरिक आँखें दी हैं, हमें आत्मिक आँखें भी दी है, जिससे हम परमेश्वर की बातों को और ज़्यादा समझते हैं और हमारी निगाहें वो देखती हैं, हमारी आंखें वो देखती हैं जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं। बाइबल में हम परमेश्वर के नबियों के बारे में पढ़ते हैं, जब भी उनका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, उन्होंने सुना परमेश्वर ने कहा तुम क्या देखते हो, तो तुम क्या देखते हो, और उन्होंने बताया परमेश्वर हम ये देखते हैं। यहेस्केल ने कहा परमेश्वर मैं सूखी हड्डियों को देखता हूँ जो बहुत ही सूखी हैं। फिर किसी नबी ने कुछ और कहा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों से क्वेश्चन किया, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो, और एक्सपेक्ट किया कि मेरे लोग वो देख पाएं जो मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ। तो हमारी आत्मिक आँखें परमेश्वर ही खोल सकते हैं, हमारे आत्मिक कान परमेश्वर ही खोल सकते हैं, और ये उनकी इच्छा है, ये उनके दिल की ख्वाहिश है। हम वचन में पढ़ते हैं जब एलीशा और उसके नौकर को राजा की सेना ने घेर लिया, और जो नौकर था उसने उठकर देखा और वो एलीशा के पास भागकर आता है, कहता है एलीशा मेरे मालिक हमें तो दुश्मन ने घेर लिया है। तो एलीशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है परमेश्वर इसकी आत्मिक आँखों को खोलें, और जब उसकी आत्मिक आंखें खुलती हैं नौकर की, वो देख सकता है कि किस तरीके से अग्निमय रथों ने उनको घेरा हुआ है और स्वर्ग की सेना ने उनको घेरा हुआ है। स्वर्ग की सेना उससे ज़्यादा है जो इस दुनिया की सेना है। तो मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलें, आत्मिक कानों को खोलें, ताकि वो आप वो देख सकें जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं, और आप वो सुन सकें जो वो आपको सुनाना चाहते हैं। इंसान की बातें कुछ समय के बाद फीकी पड़ जाती है, इंसान की बातें आज हैं कल नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इंसान बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलते हैं, उनकी बातें हमेशा एक समान रहती है। वो एक समान परमेश्वर है, वो आज कल और युगानुयुग एक समान परमेश्वर है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी घटनाओं में से बात करूँगी जो आपकी आत्मिक वृद्धि में आपको हेल्प करेंगी और आप बहुत बातों को समझ सकेंगे। यहाँ पर तीन घटनाएं हैं यशाया की ज़िंदगी में हम देखते हैं जो परमेश्वर का नबी था, फिर हम यहेस्किल की ज़िंदगी में देखते हैं जो एक और परमेश्वर का नबी था, और फिर परमेश्वर का जो एक चेला था जिसको हम कहते हैं यूहन्ना, और यूहन्ना के ज़िंदगी से भी हम बातों को देखेंगे। तो इन तीनों को कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिन्होंने इतिहास को बदल के रख दिया, जिन्होंने इनके पॉइंट ऑफ व्यू को, इनके देखने को बदल के रख दिया। और मैं विश्वास करती हूँ हम में से हर एक को
ऐसी बातों से होकर गुजरना ज़रूरी है। हमें आत्मिक बातों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आत्मिक बातों को नहीं समझते हैं, हम शारीरिक चीज़ों में ज़्यादा रुझान लेते हैं और हम हर चीज़ को शारीरिक तरीक़ों से समझने की और सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक बातों को समझते हैं तो हम हर चीज़ को, हर सिचुएशन को, हर घटना को आत्मिक तरीके से समझने और सुलझाने की कोशिश करते हैं, और ये ज़्यादा अच्छा है। शारीरिक तरीके से हो सकता है गड़बड़ हो जाए, लेकिन जब हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चलते हैं, तो वो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेहतर होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं यशायाह नबी की ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हुई, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, वचन में ये भी लिखा है हमारा परमेश्वर हमारा राजा है। और राजा एक, जब बाइबल में इसके बारे में जिक्र है, अगर आप नीति वचन पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है एक राजा का जो सिंहासन है वो धार्मिकता और न्याय के द्वारा स्थिर रहता है। और फिर ये भी लिखा है कि जो राजा अपने सिंहासन पर बैठकर ही न्याय करता है और वो विश्वास योग्यता से सबके ऊपर राज्य करता है। तो एक राजा का सिंहासन पर बैठना दर्शाता है कि वो धार्मिकता से सबका न्याय करेगा, वो सच्चाई के साथ सबका न्याय करेगा, वो विश्वास योग्यता के साथ सबका न्याय करेगा। और वचन ये कहता है हमारा परमेश्वर हमारा राजा है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर का एक राज्य है जिसमें वो राजा हैं, उनके पास प्रभुता है, वो पवित्र है, वो सबसे ऊंचा है, वो उनका नाम सब नामों से ऊंचा है। और जब तक एक राजा, अगर आप नॉर्मली दुनियावी तौर पर देखते हैं, जब एक राजा अपने सिंहासन पर रहता है, इसका मतलब है कि उसका राज्य स्थिर है और वो जो कुछ भी कहता है, जो लोग उसके सामने होते हैं, वो लोग उस बात को, उस आज्ञा को पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि राजा ने कही है। और जब तक राजा सिंहासन पर है, उसका राज्य स्थिर है और वो सच्चाई के साथ न्याय करता है। अपने सिंहासन पर बैठना ये दर्शाता है कि उसके पास सारी पावर है। हम बाइबल में पढ़ते हैं यशाया नबी की किताब उसके 6 अध्याय में, और मैं पढ़ूंगी इस वर्स को, बुक ऑफ आइजाया chapter 6 verse 1। यहाँ पर लिखा है जिस वर्ष उजिया राजा मरा, तो गौर करें, जिस वर्ष उजिया राजा मरा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यहाँ पर हम एक ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर एक राजा की मौत हो गई है। जैसे मैंने आपसे कहा, जब तक राजा अपने सिंहासन पर है, प्रजा को कोई चिंता नहीं है, प्रजा को पता है सब कुछ सही तरीके से चलेगा, प्रजा को पता है हमारा राजा अच्छा है। वचन में ये लिखा है, नीति वचन में, कि जब एक धर्मी व्यक्ति, एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति राज्य करता है तो लोग खुश होते हैं, लेकिन जब एक दुष्ट राज्य करता है लोग छिप जाते हैं। तो एक राजा कैसा है बहुत मायने रखता है। हमें पता है हम जिस राजा की सेवा करते हैं, हम जिस राजा की प्रजा है, वो दुनियावी राजाओं जैसा नहीं है। दुनियावी राजे के राज्य खत्म हो गए हैं और कई राजा चले गए। दुनियावी राजा हो सकता है कुछ कहे और कल बदल जाए, लेकिन जो हमारा राजा है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो कभी भी नहीं बदलता है, वो सिंहासन पर विराजमान है। और इसका मतलब कि उसके पास प्रभुता है, उसके पास उसका ही सारा वैभव है, उसकी ही सारी महिमा है, और जो वो कहता है उसको वो पूरा करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब उजिया राजा मरा तो जो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी यशाया था, उसने परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखा। उजिया राजा मरा। अब जब एक राजा मर जाता है, जब एक राजा मर जाएगा तो ये मुमकिन है कि उस राज्य में थोड़ी खलबल हो जाए। एक राजा अगर मर जाएगा तो उस राज्य में थोड़ी गड़बड़ी हो जाए, अब हर कोई अपनी आवाज़ उठाने लगे और एक डिसऑर्डर आ जाता है। जब एक अच्छे नेता की देखते हैं, अगर हम इतिहासों में भी देखा है हमने, जब एक अच्छा नेता किसी की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से लोगों में हाहाकार मच जाती है, और लोगों में लोग रास्तों पर उतर आते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता अब क्या होगा, और गलत लोग आ जाते हैं और वो शासन करने की कोशिश करते हैं, और एक तरीके का केओस और गड़बड़ी और डिसऑर्डर हम देखते हैं कि एक राजा के मरने के बाद ऐसी सिचुएशन उस देश में या उस जगह में आ जाती है। तो यहाँ पर जब उजिया राजा मरा तो उस जगह की जो सिचुएशन थी अच्छी नहीं थी। एक डिसऑर्डर हो सकता है आ गया हो, लोगों के मनों के अंदर डर आ गया हो, अब हमारा भविष्य क्या होगा।
हमें कौन लीड करेगा, अब हम क्या करेंगे, कल का क्या होगा, कैसे सब राज्य चलेगा, कैसे हर बात का न्याय होगा, अब लोग अपनी मनमानी करेंगे। तो इस समय की एक ऐसा समय था जहाँ जब गड़बड़ी का माहौल था, लेकिन परमेश्वर का जो जन था, यशाया था, उसने क्या देखा, उसने देखा प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। मैं क्या आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है दुनिया में आप कई गड़बड़ियाँ देख रहे हो, और आज हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं हर जगह पर अनिश्चितता है, कुछ भी सर्टन नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हम कई आवाज़ें सुन रहे हैं, कुछ सरकार कुछ कहती है, कुछ पॉलिटिशियंस कुछ कहते हैं, लोगों के बीच में गड़बड़ी है, लोगों को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। लेकिन इस समय में अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें अपनी निगाहों को दुनिया की बातों पर या दुनिया के लेवल पर नहीं लगाना, क्योंकि अगर हम दुनिया के लेवल पर लगाएंगे हमें गड़बड़ी ही दिखेगी। यशाया अपनी आंखों को दुनिया के लेवल पर लगाता तो उसे गड़बड़ी दिखती और उसके अंदर डर और खौफ आता। लेकिन उस समय जब ये सब कुछ एक गड़बड़ी का माहौल था, यशाया ने अपनी निगाहों को परमेश्वर पर लगाया, स्वर्ग खुल गया और उसने परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखा। यानी कि सिंहासन पर विराजमान होने का मतलब कि सब कुछ अभी भी सही है। दुनियावी राजा हो सकता है मर गया है, दुनियावी सरकारें हो सकता है हिल गई हों, दुनियावी सिचुएशंस हो सकता है गड़बड़ी की हो गई हों, लेकिन एक बात याद रखो, जिस राजा की हम सेवा करते हैं वो आज भी सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। जब स्तिफनुस को पत्थर मारकर उसे मारा गया, उसने क्या देखा, उसने देखा प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन से खड़े होकर उसको स्वीकार करते हैं स्वर्ग में। आज भी हमारा परमेश्वर स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है और उनकी आंखें लोगों पर लगी हुई हैं, लेकिन अब हमें जरूरत है अपनी आंखों को उन पर लगाने की। दुनिया की चीजें होती रहेंगी, दुनिया की बातें होती रहेंगी, लेकिन इन चीजों पर अगर हम आंखें लगाएंगे, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, डर और खौफ आएगा, लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों पर आंखें लगाएंगे, प्रभु हमें ऊंचा उठने के लिए कहेंगे, प्रभु हमें बल और हिम्मत देंगे, और हम उकाब की तरह तूफानों के ऊपर सोर करेंगे, यानी कि तूफानों के ऊपर हम पंख फैलाकर उड़ेंगे। जब एक उकाब तूफान को आते देखता है, वो बाकी पंछियों की तरह डरता नहीं है और जाकर किसी नुक्कड़ में या किसी कोने में या किसी वृक्ष या किसी पेड़ के नीचे वो सहारा नहीं लेता है, लेकिन जब वो तूफान को देखता है, उकाब की ये एक नेचर है, उसका एक स्वभाव है, जब वो तूफान को देखता है वो कहता है अब मेरा ऊंचा उड़ने का समय है। और जैसे ही तूफान उसके पास आता है, वो तूफान उसको नीचे गिराने के लिए नहीं होता है, लेकिन उसके पास एक अवसर होता है कि वो तूफान के ऊपर जाकर और अपने पंखों को फैलाकर फिर वहां पर वो सोर करे, वहां पर वो तैरे। और जैसे तूफान इधर उधर जाता है, वो अपने पंखों को फैलाता हुआ इधर उधर तैरता है और वो उसको एंजॉय करता है। सारे पंछी अपने पंखों को फड़फड़ाकर इधर उधर छुपे होते हैं, लेकिन उकाब ऊंचा उठकर उस तूफान से ऊंचा जाता है, और किस तरीके से वो उस तूफान के ऊपर फतेह पाता है, उसे डरता नहीं है। हमारा परमेश्वर, वचन में हमें उकाब के साथ कंपेयर किया गया है, हमें तुलना की गई है उकाब के समान, और हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जब सिचुएशंस आज गड़बड़ी की हैं, हमें अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाना है। हालेलुया। एक और व्यक्ति जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी, वो है यहेस्केल। और जब हम उसकी पुस्तक में पढ़ते हैं, ये परमेश्वर का एक नबी था, और यहाँ पर हम देखते हैं यहेस्केल की किताब बुक ऑफ एजेकेल उसके पहले अध्याय में और उसकी पहली आयत में यहाँ पर लिखा है, 30वें वर्ष के 4वें महीने के 5वें दिन मैं बंधुओं के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहां पर हम देखते हैं यहेस्केल कहता है कि जब मैं बंधुओं के बीच में कबार नदी के तीर पर था, तो अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखें, ये कैप्टिविटी यानी कि गुलामी में चले गए थे, दूसरे देश ने, बेबीलोनियंस ने इनके ऊपर कब्जा किया और अब इनको गुलाम बनाकर वो लेकर जा रहे हैं अपनी जगह पर। और गुलामी कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर आज किसी को बोला जाए कि तुम किसी के गुलाम बन जाओ, कोई भी नहीं चाहता गुलाम बनना, क्योंकि गुलाम के पास अपना कोई अधिकार नहीं है और गुलाम को वो करना पड़ता है जो मालिक उसे कहता है। गुलाम का अपने कोई इच्छा नहीं है, गुलाम बिल्कुल
अपनी अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता और गुलामी अच्छी नहीं है। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं जब इन लोगों को गुलामी के लिए लेके जाया जा रहा था और जब इन्होंने अपना तंबू इस नदी के किनारे लगाया और ये यहाँ पर कुछ समय के लिए इन्होंने अपना रुक के या अपना पड़ाव डाला, यहाँ पर हम देखते हैं यहेज़केल को परमेश्वर का दर्शन हुआ। अब आप सिचुएशन देखें, बंदी बनाकर लेके जाया जा रहा है, अच्छी सिचुएशन नहीं है, देश के ऊपर कब्जा हो गया है, दुश्मन की सेना ने चढ़ाई कर ली है, दुश्मन ने देश को ख़त्म कर दिया है और जो लोग भी बचे थे या जो लोग थोड़े ताकतवर थे या अच्छी अच्छी चीज़ें थी, अब दुश्मन क्या कर रहा है, वो सब कुछ इकट्ठा करके अपने देश में लेकर जा रहा है गुलाम बनाने के लिए, और जो लूट खसूट की चीज़ें ले गई हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो एक बड़ी ही दुख भरी घटना है, एक बड़ा ही मुश्किल समय है। अगर हम अपने आप को इन लोगों के समय में रखें या इन लोगों की जगह पर रखें, हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और तब ही हम इन बातों को समझ पाएंगे। यशाया के समय में राजा मर गया, तब उसने परमेश्वर को सिंहासन पर देखा। यहेज़केल के समय में दुश्मन ने इनके ऊपर चढ़ाई करी, सब कुछ इनका ख़त्म कर दिया, जो लोग बचे थे उनको ले जाकर बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है ताकि दुश्मन दूसरे राजा इनको अपने तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन इस समय में भी यहेज़केल ने स्वर्ग को खुला देखा, वचन में लिखा स्वर्ग खुल गया और इसने सिंहासन देखा। फिर वही बात मैं आपसे कह रही हूँ, इसने भी सिंहासन देखा जिसके बारे में जिक्र है। अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो इसमें इनकी आयतों में पहला अध्याय यहेज़केल उसका पहला अध्याय उसकी 26 आयत में हम जब जाएंगे, बुक ऑफ यहेज़केल चैप्टर 1 वर्स 26, और जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। फिर यहां पर जिक्र है यहेज़केल ने क्या देखा, सिंहासन देखा, इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। हालेलुया, यहां पर भी यहेज़केल ने क्या देखा, परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखा। परमेश्वर उसको कह रहे थे, एक तरीके से उसको एक मैसेज था, यहेज़केल हो सकता है सिचुएशंस बहुत गड़बड़ दिख रही है, हो सकता है राजाओं ने तुम्हें बंदी बना लिया है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं अभी भी सिंहासन पर हूँ और जब तक मैं सिंहासन पर हूँ न्याय तब तक कायम है, सच्चाई तब तक कायम है, धार्मिकता तब तक कायम है, विश्वासयोग्यता तब तक कायम है और मेरे लोगों के लिए मैं काम करूंगा। हालेलुया। तो उस समय इस दुख भरी सिचुएशन में भी यहेज़केल ने सिंहासन पर परमेश्वर को देखा। मेरा सवाल आज आपसे है, जब आप इन ऐसी बातों से घिरते हैं आप क्या देखते हैं? बहुत लोग हो सकता हो अपने आसपास के लोगों को देखें कि अरे हमें इनसे मदद मिल जाएगी, हो सकता हो कुछ लोग अपने ऊपर के लोगों को देखें अरे हमें इनसे मदद मिल जाएगी, कुछ लोग अपने हालातों को देखें अरे अब लगता है हम इन्हीं हालातों में मर जाएंगे। ये लोग भी यही सोच सकते थे, यहेज़केल भी ये सोच सकता था, यशाया भी ये सोच सकता था, परमेश्वर की और नबी परमेश्वर के चेले प्रभु यीशु मसीह के चेले भी ये सोच सकते थे। लेकिन उनकी खूबसूरती उनकी काबिलियत ये थी, उन्होंने इन समय में भी परमेश्वर के ऊपर अपनी निगाहों को लगाए रखा और बाकी चीज़ें उनके ऊपर हावी नहीं हुई। अगर हम कहते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं और प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है तो परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, वचन में लिखा है उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा परमेश्वर का तेज तुझ पर प्रकट हुआ है। परमेश्वर का तेज हम पर प्रकट हुआ है इसलिए नहीं कि हम डर जाएं, इसलिए नहीं कि हम आपदाओं को देखकर और दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं उनको देखकर हम चुपचाप बैठ जाएं, लेकिन ये इसलिए हमें अनुग्रह मिला है, इसलिए हमारा अभिषेक हुआ है ताकि हम परमेश्वर को पुकार सकें और इन हालातों में भी हम बंधुओं को छुड़ा सकें, लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुँचा सकें। दुनिया आज खौफ में है लेकिन मसीह की देह के लिए ये एक अवसर है लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुँचाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ही देता है, परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है, वो निराशा में हमारी आशा है, वो कठिन समय में हमारा मजबूत गढ़ है। हालेलुया। एक और व्यक्ति के बारे में मैं आपसे बात करूंगी जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया, उसका नाम था यूहन्ना। अगर आप में से बहुत लोग उसके बैकग्राउंड को जानते हैं, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला था और वचन में ये कहता है यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करते थे, ये खुद अपने बारे में हवाला देता है, और यूहन्ना को मारने के कई तरीके अपनाए गए लेकिन ये बच गया और इसको अंत में
पितमुस टापू में भेज दिया गया, इसलिए भेजा गया, वहां छोड़ दिया गया, काले पानी की सजा जिसे हम कह सकते हैं, इसलिए भेज दिया गया ताकि वो वहां जाकर मर जाए भूख और प्यास से। और कोई फैसिलिटी नहीं है वहां पर, कोई कंफर्ट नहीं है वहां पर, हो सकता है सोने के लिए अच्छा बेड भी ना हो, हो सकता है सर रखने के लिए अच्छा सिराना भी ना हो, अच्छा पिल्लो भी ना हो, खाने के लिए अच्छा खाना भी ना हो, और वो अकेला है। अब उसके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वो अपना दुख बांट सके। हम पौलुस की ज़िंदगी में देखते हैं, पौलुस अपने खतों में कई बार लिखता है जब वो जेल में था उसके साथ कुछ साथी थे जिनके साथ वो अपना दुख सुख या अपनी बातों को बांटता था और एक दूसरे को वो कॉम्फर्ट देते थे। लेकिन यूहन्ना को हम देखते हैं, उसको अकेला छोड़ दिया गया पितमुस टापू में मरने के लिए। लेकिन इस सिचुएशन में यूहन्ना के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने आज दुनिया के इतिहास को बदल के रख दिया है, और आज भी दुनिया की निगाहें उस पुस्तक के ऊपर है, उस प्रकाशन के ऊपर है जो यूहन्ना ने उस समय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा। और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत आयत है जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करूँगी। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका चौथा अध्याय और उसकी पहली से लेकर अगर आप 10 आयत पढ़ें, मैं इसमें से कुछ आयतें पढ़ूंगी टाइम कम होने के कारण, लेकिन यहाँ पर लिखा है पहली आयत में, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। स्वर्ग में एक द्वार खुला है, अगर आप प्रीवियस इसके चैप्टर्स में पढ़े वहाँ पर आप इसके बारे में सब पढ़ सकते हैं। यूहन्ना को जो उसको एक्सपीरियंस, जो उसको अनुभव हुए, उसने आवाज़ को सुना और किस तरीके से परमेश्वर के आत्मा ने उसको 7 कलीसियाओं के लिए अलग अलग उसको मैसेजेस दिए। और यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना कहता है प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय पहली आयत में, इन बातों के बाद मैंने जो दृष्टि करी, तो उसने दृष्टि करी, उसने देखा तो क्या देखता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा परमेश्वर ने हमें आत्मिक आँखें दी है, हम बातों को देख सकते हैं, हमारे अंदर डिज़ायर होनी चाहिए, परमेश्वर हम आपकी बातों को और समझना और देखना चाहते हैं। अगर ये लोग उस समय देख सके, आज हमारे लिए भी ये पॉसिबल है, ये संभव है कि हम उन बातों को देख सकें, आत्मिक बातों को, आत्मिक दुनिया को देख सकें। क्योंकि याद रखें, हम बेशक इस दुनिया में रहते हैं, एक शारीरिक दुनिया है, एक आत्मिक दुनिया है। पौलुस कहता है कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, लेकिन अंधकार की ताकतों से है, अधिकारियों से है, प्रधानताओं से है, दुष्ट की सेनाओं से है। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का, उन्होंने क्रूस पर जाकर शैतान की हर ताकत को ख़त्म कर दिया और वो मरे, शैतान की हर युक्ति के ऊपर उन्होंने विजय पाई, मरे और तीसरे दिन जीवित हो उठे, और हमें भी उस विजय में शामिल किया। और आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हैं। इफिसियों और कोलोसियों में पौलुस इस बारे में बात करता है, आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, स्वर्ग में आपके लिए द्वार खुला है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए द्वार खोल दिया है। अब हमें वेट नहीं करनी है, लेकिन जैसे हम प्रभु के सामने आते हैं, हम बोल्डली, हम हियाव के साथ, विश्वास के साथ, हम उस दरवाजे में एंटर करते हैं, हम परमेश्वर के उस सिंहासन के सामने हम विश्वास के साथ एंटर करते हैं, ये जानते हुए कि जब हम उसको पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। तो उसने द्वार को खुला हुआ देखा, स्वर्ग में एक द्वार है और वो खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका उन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जब उसे ये प्रकाशन हुआ, उसने स्वर्ग में दरवाजे को खुला देखा और आवाज़ ने कहा कि तू ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, इस दुनिया के लेवल में मत रह, इस दुनिया की सोच में मत रह, अपनी परिस्थिति और सिचुएशन के लेवल में मत रहे, लेकिन ऊपर आ जा। आज हमारे लिए ज़रूरत है ऊपर उठने की, हमें दुनिया की सोच से अपने आप को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया हो सकता है आपको पीछे खींचने लगे, दुनिया, याद रखिए वचन कहता है एक दुनियावी बुद्धि है जो शारीरिक है, जो शैतानी है, और उसके बारे में आप याकूब की किताब में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो स्वर्गीय बुद्धि बन गए। मैं तुरंत आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन, फिर से यहाँ पर यूहन्ना ने क्या देखा, सिंहासन स्वर्ग में धरा है और इस सिंहासन पर कोई बैठा है। हालेलुया। तो राजा क्या करता है, अपने सिंहासन पर बैठकर वो धर्म के साथ, धार्मिकता के साथ न्याय करता है,
अपने राज्य में शांति बहाल करता है, अपने राज्य में अच्छी तरीके से लोगों का न्याय करता है और वो देखता है सब चीज़ें सही हो रही है नहीं। यशाया ने भी सिंहासन देखा स्वर्ग में, उस पर परमेश्वर पिता विराजमान थे। फिर यहेजकेल ने सिंहासन देखा, उस पर भी परमेश्वर विराजमान थे। फिर यूहन्ना ने सिंहासन देखा और यहाँ पर वो कहता है उस सिंहासन पर कोई बैठा है। तो तीनों सिचुएशंस में हम देख रहे हैं सिंहासन पर कोई बैठा है, यानी कि हमारे लिए खुशखबरी है, हमारा राजा सिंहासन पर बैठा है, वो हमारी जिंदगियों को संभालने के लिए सामर्थ्य है। तीसरी आयत में लिखा है, और जो उस पर बैठा है वह यशव और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा मेघ धनुष दिखाई देता है। चौथी आयत, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। पांचवी आयत, और उस सिंहासन में से बिजली और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं, यह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। छठी आयत, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। सातवीं आयत, पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। आठवीं आयत, और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वह रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था जो है और जो आने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक डिस्क्रिप्शन, एक विवरण दिया गया है किस तरीके से उस सिंहासन के सामने सब कुछ हो रहा है, और जो प्राणी है वो ये कहते हैं पवित्र पवित्र है सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था जो है और जो आने वाला है। जब यशाया ने देखा, उसने भी देखा जो उस सिंहासन के इर्द गिर्द जो प्राणी हैं वो ये कहते हैं पवित्र पवित्र है सेनाओं का यहोवा। और फिर हम देखते हैं नौवीं आयत, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 9 आयत, और जब वे प्राणी उसकी और सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, और उसे जो युगानुयुग जीवता और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। हालेलुया। वचन कहता है जो सिंहासन पर बैठा है वो युगानुयुग है, वो था वो है वो आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही आदि और अंत हूँ, उनके बारे में लिखा है, वो कहते हैं मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं था मैं हूँ और मैं आने वाला हूँ। सिंहासन पर हमारा राजा विराजमान है। इन तीनों लोगों ने सिंहासन देखा, और सिर्फ सिंहासन को खाली नहीं देखा, क्योंकि जब सिंहासन को खाली देखा जाता है इसका मतलब है राजा नहीं है, और अब कोई भी राज्य में या देश में शांति बहाल नहीं है, कोई भी न्याय नहीं है, धार्मिकता के साथ राज्य नहीं किया जा रहा। लेकिन इन तीनों सिचुएशन में इन लोगों ने सिंहासन तो देखा, लेकिन सिंहासन पर परमेश्वर को विराजमान देखा, राजा को, हमारे परमेश्वर पिता, हमारे राजा को उन्होंने सिंहासन पर विराजमान देखा। इसका मतलब चाहे कुछ भी परिस्थिति हमारी जिंदगियों में हो जाए, एक बात याद रखें मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। और मेरी प्रार्थना है प्रभु आपकी आंखों को खोले, आत्मिक आंखें खुलें, जैसे एलिशा ने प्रार्थना करी और नौकर की आत्मिक आंखें खुल गईं, इसी प्रकार से आपकी आत्मिक आंखें भी खुलें, आप ये देखने पाएं और समझने पाएं कि अभी भी हमारा राजा सिंहासन पर विराजमान है। दुनिया के हालात कैसे भी हों, सरकारों के हालात कैसे भी हों, दुनिया के कोने कोने में डर हो, खौफ हो, लेकिन हमारे लिए खुशखबरी है, हमारा राजा अभी भी सिंहासन पर विराजमान है और उसकी आंखें उसके लोगों पर लगी हैं। इन तीनों लोगों ने दुख भरी परिस्थिति में, खौफ भरी परिस्थिति में राजा को सिंहासन पर देखा। आज हमारे लिए ये एक चुनौती है, हमारे लिए ये एक आशा भी है कि जब सब कुछ डर खौफ के माहौल है, इस समय में हम अपनी निगाहों को अपने पिता की ओर लगाएं, अपने स्वर्गीय पिता की ओर लगाएं, अपने परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने राजा की ओर लगाएं, जो कहता है मैं युगानुयुग
एक समान परमेश्वर हूँ। अगर उन्होंने पहले समय में संभाला, आज भी वो संभालेंगे। उन्होंने अपने लोगों को उस समय में संभाला। यशाया को ये दर्शन हुआ, यहेजकेल को ये दर्शन हुआ, यूहन्ना को ये दर्शन हुआ, और भी प्रभु के कई लोग जिन्होंने परमेश्वर के सिंहासन को देखा और उन्होंने हियाव पाया, और उन्होंने इस बात के लिए वो दृढ़ थे कि हमारा भविष्य सिक्योर है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो लोग अपने भविष्य को लेकर डरते हैं, आपका भविष्य सिक्योर है। अगर आप अपनी निगाहों को दुनिया पे लगाएंगे, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, आपको कोई श्योरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया बहुत अनसर्टन है, अनिश्चितता है। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाते हैं, हमारे फ्यूचर में एक होप है, हमारे भविष्य में एक आशा है, और हमारी आशा कभी भी टलने की नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने भी उस पर विश्वास किया, उसका मुंह कभी भी काला नहीं होता है। और वचन कहता है, जो लोग यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो सिय्योन पर्वत के समान दृढ़ है। वचन कहता है, वो परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, वो परमेश्वर मेरा छिपने का स्थान है। उस परम प्रधान परमेश्वर की आड़ में मैंने एक गुप्त स्थान है, मैं वहाँ पर छिपा हूँ। हालेलुया। वो हमें अपने पंखों के नीचे छिपाता है, वो हमारा मददगार है। उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, आज भी वो आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाएं, और याद रखें, वचन कहता है स्वर्ग में एक दरवाज़ा खुला है। आपको विश्वास के साथ दरवाजे में एंटर करना है, आपको विश्वास के साथ वो विश्वास का एक कदम लेना है। डर नहीं, परमेश्वर ने हमें डर भय का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन प्रेम का आत्मा दिया है, बल का आत्मा दिया, सामर्थ्य का आत्मा दिया है, आत्म संयम का आत्मा दिया है। वचन कहता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो ये समय हड़बड़ाहट का नहीं है, ये समय चीखने चिल्लाने का नहीं है, ये समय पैनिक होने का नहीं है, डरने का नहीं है, लेकिन ये समय है प्रभु के लोगों परमेश्वर के साथ संगति में चलने का, करीब आने का, उनसे सुनने का, जो वो हमें दिखाना चाहते हैं वो देखने का। वो अच्छे पिता हैं, वचन में लिखा है वो अच्छे पिता हैं, और वो अपनी गहरी बातों को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहते हैं, उजागर करना चाहते हैं। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम डेस्पिरेट हैं? क्या हम उनसे सुनना चाहते हैं? क्या हम उनकी ओर दौड़ना चाहते हैं? काम काज में व्यस्तता मैं समझती हूँ, हाँ आज बहुत लोग व्यस्त हैं, बहुत लोग बिजी हैं, काम काज ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर के साथ समय बिताना। वो आपका एक मूमेंट है, वो आपका एक समय है, एक वो पल है जब परमेश्वर अपने दिल को आपके ऊपर जाहिर करते हैं। हाँ, चलते फिरते भी परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम उनके उपस्थिति में बैठते हैं और एक एक भूख और प्यास के साथ हम कहते हैं पिता हमसे बात करें, वो गहरी बातों को हमारी जिंदगियों के ऊपर जाहिर करते हैं। हालेलुया। और मेरी दुआ है परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं मेरे साथ जुड़ जाएं, आइए हम प्रार्थना करें और अपने पिता से मांगे जो अच्छा पिता है और जो हमारी सुनता है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए और आपके लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। मेरी दुआ है परमेश्वर आप इनकी जिंदगियों में कार्य करें। प्रभु आपने कहा, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ और जो मुझ में से खाता है वो कभी भी भूखा नहीं रहता, लेकिन वो तृप्त हो जाता है। प्रभु आप हमारी तृप्त, आप हमें संतुष्ट करते हैं, आपका वचन हमें संतुष्ट करता है, आपकी प्रेजेंस हमें संतुष्ट करती है। प्रभु मेरी दुआ है, होने दे इन दिनों में जब दुनिया के हालात में डर है, खौफ है, आपके लोग अपनी निगाहों को आपकी ओर लगाएं। यूहन्ना ने लगाया अपनी आँखों को आपकी ओर, यशाया ने लगाया, यहेजकेल ने लगाया। प्रभु जब लोग स्तिफनुस को पत्थर मार रहे थे और वो मरने पर था, उसने अपनी निगाहों को आपकी ओर लगाया और उसने स्वर्ग की ओर अपनी निगाहों को लगाया और देखा कि प्रभु यीशु मसीह सिंहासन से खड़े हो गए उसको कबूल करने के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आपके लोगों का। होने दे आपके लोग भी इस तरीके से आपके लिए भूखे प्यासे हो जाएं इन दिनों में। होने दे आत्मिक एनकाउंटर्स होने पाएं। प्रभु अपने लोगों के साथ दर्शनों में बात करें, अपने लोगों के साथ ऑडिएबल वॉइस में बात करें। आप सामर्थी हैं, अपने दिलों प्रभु अपने दिलों को अपने लोगों पर जाहिर करें। आपके लोग आत्मा के बल में सामर्थ्य में चलने पाएं। मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से कोई भी कमजोरी में ना हो,
हो, प्रभु इनके जिस्मों में कोई कमजोरी है तो यीशु के नाम से दूर हो जाए। ओ हालेलुया, सोच विचार में गंदगी है, सोच विचार में कमजोरी है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आपके लोग वही सोचे जो आप चाहते हैं, आपके लोग वही देखें जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं, आपके लोग वही सुने जो आप उन्हें सुनाना चाहते हैं। दुनिया की ओर कानों को नहीं लगाकर आपकी ओर अपने कानों को लगाएं। यीशु, हम वचनों में देखते हैं जब यीशु ऐसी जगह पर गए जहां पर मौत थी, जहां पर कोई मर गया था और लोग विलाप में थे, लोग रो रहे थे, वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उन रोने वालों की ओर अपने कानों को नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने कानों को पिता की ओर लगाया। प्रभु यीशु कहते हैं मैं वही करता हूं जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं, मैं वही कहता हूं जो मैं अपने पिता से सुनता हूं। प्रभु होने दे, जैसा प्रभु यीशु का जीवन था हमारा भी जीवन वैसा ही हो, और ये संभव है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, वो हमारी अगुवाई करता है। मेरी प्रार्थना है प्रभु अपने लोगों को छू लें इनके घरों में, जब ये इस प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी हुजूरी इनके घरों में, प्रभु जी आपकी हुजूरी उतर आए, आपकी महिमा उतर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अंधकार का हर काम इनकी जिंदगियों से सीज हो जाए, इनके घरों में से ख़त्म हो जाए, हर तरीके का लड़ाई झगड़ा दूर हो यीशु के नाम से, कंफ्यूजन फैलाने वाले दुष्ट आत्मा घरों से दूर हो जाए, शांति बहाल हो क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके लोग ज्ञान बुद्धि और समझ में बढ़ने पाएँ, आपके लोग आत्मिक वरदानों में बढ़ने पाएँ, आत्मा का फल इनकी जिंदगियों से जाहिर हो जाए और इनको संभाल के रखें, सबको आशीष और बरकत दे। ये दुआ हम यीशु मसीह आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दें और आत्मा की अगुवाई में चलते रहें, आत्मा के बल में चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।